नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे श्याम मेटल्स के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों कोई पहली बार मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। जिस टाइम पे कंपनी 300-250 रुपए के आसपास चल रही थी उस टाइम पे भी हमने वीडियो बनाया था और बाइंग की कॉल दी थी, होल्ड करने के लिए बोला था। हालांकि दोस्तों आज उसका जो कि रिजल्ट निकलते हुए दिख रहा है। आज के दिन दोस्तों इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों थी, बहुत सारे रिटेलर्स कन्फ्यूजन में होंगे, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूँ। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो स्टॉक में 8% की तेजी होने के बाद आखिरी क्षण में इस स्टॉक में पर सर्किट लग गया, मतलब 10% पे जाकर के रुक गया। तो क्या ऐसे में इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। वहीं पे दोस्तों कुछ ब्रोकर्स की अगर मैं बात करूं तो 690 रुपए इस कंपनी का टारगेट प्राइस दिए, तो क्या वहां तक भी जा सकता है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा श्याम मेटल्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए ग्लोबल लेवल पे मेटल से रिलेटेड कुछ भी न्यूज आए, ऐसा दोस्तों मतलब कि लेट लतीफ भी न्यूज आ सकते हैं। देखा जाए तो कल के दिन सडनली मार्केट गिर गया, तो उसके लिए भी कुछ इतना खास न्यूज देखने को नहीं मिला। बहुत सारे न्यूज की बात करें, बहुत सारे जगह पे देखेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ ना कुछ अपने अपने पॉइंट से लोग डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन अगर अभी तक की मैं बात करूँ तो श्याम मेटल से रिलेटेड इतना कुछ खास न्यूज़ देखने को मिला नहीं है। स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए दिखा, हालांकि तेजी क्यों है दोस्तों उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्टॉक जैसे ही मतलब ओपन होता है 8% के आसपास तेजी देखने को, आखिरी क्षण में इस स्टॉक में एक अपर सर्किट मतलब 10% की तेजी देखने को मिल रही है। जैसा कि अगर आप मतलब कि न्यूज़ भी देखेंगे, अनाउंसमेंट भी देखेंगे दोस्तों, तो कुछ भी नहीं दिखे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कुछ भी आपको अनाउंसमेंट दिखेगा नहीं, ये सारे न्यूज़ जो कि आपको पुराने देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर मैं ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो अभी तक जो कंपनी का हाई है दोस्तों, आज के दिन ही कंपनी ने लगभग 573 रुपये का हाई लगाया है। यहाँ पर अगर मैं कंपनी वैल्यूम की बात करूँ तो पहले के अकॉर्डिंग दोस्तों इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मतलब 4 मिलियन के ऊपर जो कि वैल्यूम बने हैं दोस्तों, जिसमें 40% के ऊपर माल डिलीवरी में उठाया गया है। बहुत सारे ट्रेडर के मन में डाउट होगा दोस्तों कि इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए स्टॉक में तेजी जो है वो अपने पॉइंट से मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, कुछ रिटेल इन्वेस्टर पहले कमेंट कर रहे थे कंपनी खराब है, मैनेजमेंट नहीं सही है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेरोएलॉयज में ये कंपनी एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दोस्तों, जो कि सेल इंटरमीडिएट की बात करें या फाइनल प्रोडक्ट की बात करें, बहुत सारे मतलब कि कंपनी स्टील से रिलेटेड ही काम करती है, तो मेटल सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी, तो इसके पहले ये कंपनी स्मॉल कैप टाइप की भी हो गई थी। हालांकि अभी तक के अगर मैं ROE की बात करूँ या फेस वैल्यू की बात करूँ तो कंपनी का 10 का ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है, इसके पहले कंपनी नहीं चल रही थी। हाँ, इसका जो भी कंपटीटर देखने को मिलेगा दोस्तों, बड़े बड़े दिग्गज आपको कंपटीटर देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, दिग्गज की अगर मैं बात करूं तो अभी तक कुछ इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन ये कंपनी देखा जाए तो लास्ट से अभी मतलब धीरे धीरे ऊपर आ रही है। सबसे बड़ा इसका जो कंपटीटर आप मान सकते हैं दोस्तों कि मोनोपोली है दोस्तों, कौन? APL अपोलो ट्यूब। और वहीं पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इस कंपनी का जो कि कंपटीटर देखने को मिलता है तो आने वाले समय में, अभी देखिए APL अपोलो ट्यूब को बीट करना मतलब कोई इजी काम नहीं दोस्तों, ये बहुत ही लंबा समय लगेगा। कंपनी के जो भी सेल्स रेवेन्यू अभी तक देखा है तो कंपनी के साइज के हिसाब से ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कंपनी की बात करें, फाइनेंशियल भी कंपनी का अच्छा है, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारा अच्छा देखने को मिलेगा। कंपनी ने एक साल में 74% का रिटर्न भी बना के दिया, रिटर्न इक्विटी देखा है तो लॉन्ग टाइम में सुधर जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, देखिए जिस समय कंपनी मार्केट में आई थी उस टाइम पे कंपनी के ऊपर देखा है तो इतना कुछ खास डेट नहीं था, मतलब 1100 करोड़ के आसपास आप कह सकते हैं कंपनी के ऊपर डेट था, 700 करोड़ के आसपास। अभी देखा जाए तो कंपनी का जो डेट है दोस्तों वो थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, ये थोड़ा सा मेरे पॉइंट से नेगेटिव है। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कंपनी भी तो बड़ी बने। देखिए दोस्तों, जब कंपनी बड़ी बनेगी तभी उस कंपनी को लोन मिलेगा, छोटी कंपनियों को बहुत ही कम लोन मिलता है जिसकी वजह से कंपनियां बंद हो जाती है, तो ये थोड़ा सा आपको नोट करके चलना होगा। हाँ, ऐसे में अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है, जो मैं अपने पॉइंट से डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए 75:25 का जो कि रेशियो फुलफिल करके चलना होगा। ये कंपनी जून 2021 में मार्केट में लिस्ट होती है, 88% का स्टेक प्रमोटर के पास था, जो कि अभी तक प्रमोटर के पास था। उसके बाद जैसे ही मतलब स्टॉक में तेजी देखने को मिली वो लगभग 7% के आसपास स्टेक सेल करके चले गए। अब उनके पास उनको कितना सेल करना है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 7-8% और भी सेलिंग करेंगे। तो हो सकता है जिस हिसाब से तेजी देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि वो और भी सेलिंग कर सकते हैं। हालांकि बताना चाहते हैं कि इसमें DIS की बात करें तो DIS ने जो कि माल को एक्युमुलेट किया है और 3 क्वार्टर से आप कह सकते हैं माल को एक्युमुलेट करते ही जा रहे हैं। अगर मैं FIs की बात करूँ तो FIs ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, हालांकि पब्लिक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के टारगेट को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले कंपनी के अगर मैं टारगेट को देखूँ तो ट्रेंड लाइन डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखें जो कंपनी का टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है, लगभग 690 रुपये कंपनी का टारगेट प्राइस बताया जा रहा है, जो कि लगभग आप कह सकते हैं कि लास्ट प्राइस की बात करें तो 539 का यहाँ बताया। हो सकता है कि
अपडेट होने के बाद दोस्तों, मतलब टोटल यहाँ पे कितने रिपोर्ट पेश हुए हैं दोस्तों, 8 रिपोर्ट हैं जो कि एक कैंडिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ग टाइम के ओरिजिन से जो टारगेट प्राइस बता रहे हैं लगभग 690 तक ये कंपनी जा सकती है, ऐसा उनका मानना है। हालांकि अभी ये कंपनी और भी आप कह सकते हैं 30% 20% के आसपास जा सकती है। ऐसे में अभी इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है, देखिए सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में जो भी मतलब कि देखिए होता क्या है दोस्तों, ओएफएस तो बहुत ही कम आते हैं। मतलब आपसे बताना चाहते हैं मतलब जो प्राइवेट कंपनियां होती है दोस्तों उनमें बहुत ही कम आप कह सकते हैं ओएफएस आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ओएफएस के थ्रू या ब्लॉक डील के थ्रू कुछ हो जाते हैं मार्केट में सेलिंग। मतलब बताना चाहते हैं कि जिस समय ये आएगा तो हो सकता है कि रिसेंट में हमने देखा था 431 रुपये के प्राइस पे कुछ सेलिंग हुआ था, तो आने वाले समय दोस्तों कुछ और भी डिस्काउंट पे अवेलेबल होकर के इस स्टॉक में कुछ और भी सेलिंग हो सकती है। अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, मतलब कि टॉप पे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोटर अपने स्टेक को सेल करते हैं। तो इसके पहले की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने अभी तक 47% का रिटर्न बना के दिया। जब से कंपनी मार्केट में आई थी तब से कुछ इतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग थी, कंपनी के फाइनेंशियल सब कुछ अच्छे थे दोस्तों, लेकिन एक चार्ट देखा जाए तो कंपनी का डाउन ट्रेंड में था। तो इस पॉइंट से जो भी तेजी देखने को मिली है रिसेंट में ही देखने को मिली है, और हो सकता है कि इस स्टॉक में एक अपने को मतलब कि गिरावट भी देखने को मिले दोस्तों रिसेंट में देखा जाए तो। मतलब आप कह सकते हैं मार्च से लेकर के दिसंबर तक 120% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। तो हालांकि दोस्तों जो रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप करंट प्राइस पे इस कंपनी को बाइंग करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी 450 से 500 के आसपास ट्रेड कर सकती है। हालांकि तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 700 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है, क्योंकि ये भी कंपनी कम नहीं है, कंपनी खराब नहीं दोस्तों अभी तक का देखा जाए तो। मतलब मल्टीबैगर तो नहीं कर सकते, फिर भी जिस हिसाब से रिसेंट में बहुत सारी कंपनियों रिटर्न बना के दिया तो ये भी कंपनी पीछे नहीं है। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।